अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और तमाम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। देखें मेरे प्यारे व्यूअर्स, आजकल मुसलमानों को दुनिया में हर जगह जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। जब जमीर नहीं कांपते तो जमीन जरूर कांपती है। दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मीरपुर से, जहां दीवार गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद जलजला, जिसकी शिद्दत 5.8 बताई जा रही है। जलजला 4:02 पर आया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तबाही के तलात आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर से मिली है। मीरपुर के इलाके जातला से मौसूल होने वाली ये तस्वीर, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहजा कर सकते हैं, ये वो मनासिर है जहां पर सड़क को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां धस गई है, सड़क का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है और 10 फीट का बताया जा रहा है कि शगाव जो है वो पड़ा है, जिसकी वजह से गाड़ियां धसी हैं, मोटरसाइकिलें अंदर गई हैं और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के तलाक भी मौसूल हो रहे हैं। जब कश्मीरी बहन भाई और जो है दीगर मुसलमान, इंडियन मुसलमान आपको पुकार रहे थे तो आप कहाँ थे, तो मैं क्या जवाब दे पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, उठो खुदा की रजा के लिए, आप उठो अल्लाह के लिए, उठो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उठो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ताकि हमारे मुसलमानों को उनका हक मिल सके। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है जाकर इंडिया में जंग करें, आप जो है हथियार उठाएं, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा। आप कम से कम जो है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए एहतजाज करें, ताकि उनको भी पता चले कोई तो हमारे साथ है। कल एक बहन की वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप वो थोड़ी सी वीडियो देखें, मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। ये आप वीडियो, हम आज़ाद हो ही जाएंगे, चाहे उसमें आपका साथ रहे या ना रहे। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, तमाम आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों से, जब तारीख लिखी जाएगी तो खुदा आपको कैसे माफ करेगा? आप खुद कैसे खुद को माफ करोगे? जब आपको पता चलेगा कि आपकी माएं, आपकी बहनें आपको पुकारती रही मुश्किल वक्त में और आप पार्टीज्म के उस पे खड़े थे। मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पा रही हूं, जब से इस तरह की बयानबाजी आ रही है। मुझे अपनी बहनों के लिए डर लग रहा है, अपनी माओं के लिए डर लग रहा है कि उनका वहां पे क्या होगा। तो आप खुद को कैसे माफ करोगे? तमाम इस्लामिक मुमालिक कैसे माफ करेंगे जब हमारी माओं बहनों की इज्जतों के ऊपर जो है हाथ डालने की सरेआम बात की जा रही है? तो कैसे आप लोग माफ करेंगे खुद को? खुदा को क्या जवाब देंगे? खुदा को भी छोड़ें, सबसे पहले अपने जमीर को क्या जवाब देंगे आप? कोई खुदा खौफी है आप लोगों में? कब तक पार्टीज्म, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इनकी बुनियाद पे जो है आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे? क्या हमने कभी एक नहीं होना? क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही जो है दर दर की ठोकरें खाना लिखा है? जिल्लत, रुसवाई, क्या यही हमारा मुकद्दर बन के रह गई है? क्या रियासत के सिर्फ एक हिस्से को कुर्बानी देनी है? मैं नहीं कहती कि कोई कुर्बानी कम दे, आप लोग हथियार उठाओ या कुछ करो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि हमें लगे कि कोई हमारे साथ है। वहां पे जो माएं बहनें बेटे बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी नजरें सबसे पहले आप लोगों के ऊपर हैं और आप लोग यहां पे लीडर बनने के चक्करों में जो है उनकी इज्जतें तक नीलाम करने के दर पे हो। अपना रोल अदा करो, दुनिया को बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत मौके मिलेंगे आपको जिंदगी में लीडर बनने के।
یہی وقت نہیں ہے لیڈر بننے کا. ویڈیوز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, لیکن کس طرح جو ہے بھینڈور یہ ہمیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آ کر جو ہے انڈیا کے ساتھ لڑیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پتہ چلے کہ ہمارے حق میں کوئی اٹھا ہوا ہے. یہ ہماری بہن کہ میرے پیارے ویوز کشمیر میں دیکھیں آج کل کتنی ظلم ہو رہا ہے. ویوز اگر آپ اسی طرح انڈیا میں چلے جائیں تو دیکھیں کس طرح جو ہے مودی انڈینز کو جو ہے انڈین مسلمز کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری باتوں سے سہمت ہوں گے اور جو ہے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں. میں سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے یہ چینل نہیں بنایا, نہ ہی میں کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے لڑ رہا ہوں. میں صرف اپنی بہن بھائی اور مسلمانیت کے لیے لڑ رہا ہوں. صرف آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ پیغام آپ آگے پہنچا دیں. تھینک یو سو مچ.